हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास फिफ्थ, लेसन सेकेंड, स्पीच एंड मैनर्स। हमने कल इसकी वर्ड मीनिंग आपको करा दी थी, उससे आगे आज देखेंगे रीडिंग करानी है। देखिए, व्हेन अ पर्सन ग्रीट्स अनदर, जब कभी कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से मिलता है विद दिस फीलिंग, इस भावना के साथ, ही शोज हिम ग्रेट रिस्पेक्ट, तो वह उसके सामने बहुत बड़ा सम्मान दिखाता, उसका सम्मान करता है। सच अ ब्यूटीफुल थॉट, इस प्रकार का एक सुंदर विचार लाइज बिहाइंड अ सिंपल जेस्टर, एक साधारण हाव भाव पर निर्भर करता है, हाव भाव पर रहता है कि हम कभी किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उसे किस तरह से मिला जाए। इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों में, एंड लैंग्वेजेस और अलग अलग भाषाओं में, ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग हिस्से और अलग अलग भाषाओं में, डिफरेंट वर्ड्स, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द, अकंपनी साथ में, द जेस्टर हाव भाव के, ऑफ जॉइंट हैंड्स, हमारे देश में अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ड्स बोले जाते हैं, जिनके जो जेस्टर हाव भाव होते हैं, हाथ मिला के हाव भाव होते हैं, वो भी सभी अलग अलग होते हैं। इन मलयालम और तेलुगु में इट इज एक्सप्रेस्ड, यह व्यक्त किया जाता है एच नमस्कारम। मलयालम भाषा और तेलुगु भाषा में हम इसे नमस्ते को क्या बोलते हैं, नमस्कारम। नमस्कार इज यूज्ड इन कनाडा, इन कन्नड़, नमस्कार इज यूज्ड इन कन्नड़, कोंकणी, ओडिया, हिंदी, बंगाली, कश्मीरी, आसमीस, गुजराती, मराठी एंड पंजाबी। जो नमस्कार शब्द हम इन भाषाओं में बोलते हैं, इन तमिल, लेकिन तमिल भाषा में इट इज वन्ना कम, इट इज, और इसे हम क्या कहते हैं, वन्ना कम, विद फोल्डेड हैंड्स, दोनों हाथों को जोड़ करके, सिक्स इन पंजाब, और जो सिख लोग होते हैं वो पंजाब में यूज प्रयोग करते हैं, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, एंड मुस्लिम्स यूज, और मुस्लिम लोग जो यूज करते हैं, अस्सलाम अलैकुम, और जो मुस्लिम यूज हैं वो नमस्कार के लिए अस्सलाम वालेकुम यूज करते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों में द मोस्ट कॉमन ग्रीटिंग इज बाय शेकिंग हैंड्स, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं उनमें सबसे जो मोस्ट कॉमन सामान्य सी अभिवादन करने का जो तरीका है वो हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं। दिस सजेस्ट वार्म्थ ऑफ हर्ट एंड फ्रेंडलीनेस, यह वार्म्थ, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाना, एक अच्छे हृदय के साथ हाथ मिलाना। इट इज अकंपनाइड बाय हाउ डू यू डू, और इसके साथ यह बोला जाता है कि आप कैसे हैं, स्पोकन बाय बोथ पर्सन, दोनों व्यक्तियों के द्वारा ऐसा बोला जाता है। ग्रीटिंग्स आर ऑल्सो एक्सचेंज्ड बाय मेंशनिंग द टाइम ऑफ द डे, और जो ग्रीटिंग्स है, अभिवादन का तरीका है, वो एक्सचेंज बदल जाता है बाय मेंशनिंग द टाइम ऑफ द डे, समय के, जिस तरह का समय होता है उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। लाइक गुड मॉर्निंग, अगर सुबह का समय तो गुड मॉर्निंग, दोपहर का समय गुड आफ्टरनून, एंड सो ऑन, और इस प्रकार से। द प्रैक्टिस ऑफ गुड मैनर्स स्टार्ट्स विद अ पोलाइट ग्रीटिंग, टिक कर लें, यहां तक आपका ये कंप्लीट है। इसके कल जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसे राइट करा देंगे। नाउ रीड दिस चैप्टर, इस चैप्टर को और इस जो पैराग्राफ लिखा है उसको आपको रीड करना और अंडरलाइन करनी है टिपिकल वर्ड्स पर, और ये फिर हमें सेंड करना है। ओके, थैंक यू।